हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैक बाइट्स। सो आज हम देखेंगे स्टेप्स और मेथडोलॉजी ऑफ हैकिंग या फिर बग हंटिंग मेथडोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी टारगेट में बग्स फाइंड करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। अभी बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे उनको कोई टारगेट मिलता है वो तुरंत ही बग्स फाइंड करने लग जाते हैं, लेकिन ये एक गलत तरीका है टारगेट में बग्स फाइंड करने का। जो भी प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं या फिर बग हंटर्स होते हैं, वो सब एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं, जिससे बग्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। सो सबकी मेथडोलॉजी डिफरेंट होती है, पर जो अप्रोच होता है वो सबका सेम होता है। चलिए देखते हैं कि प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, देन स्कैनिंग, देन गेनिंग एक्सेस, देन मेंटेनिंग एक्सेस, लास्ट में है क्लियरिंग ट्रैक्स। सो थोड़ा डिटेल में देखते हैं हर एक स्टेप में क्या क्या होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसे हम रिकनेसेंस और फुट प्रिंटिंग भी बोलते हैं। पूरी बग हंटिंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम टारगेट के बारे में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। टारगेट की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस है बग्स मिलने के। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग दो तरीके से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। अगर मैं टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, देन इट्स एन एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और अगर मैं टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, देन इट्स एन पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन टेस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं मेरा मैक्सिमम टाइम एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगाऊंगा। सबसे पहले मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन का वॉक थ्रू करूँगा, लाइक एप्लीकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, एप्लीकेशन में कौन सी URLs है, वो URLs कैसे चेंज होते हैं, कौन से इनपुट फील्ड्स है और कहाँ पे है, वो सब मैं एक गो थ्रू करूँगा। तो ऐसे मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे नोट कर दूँगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस टूल है बब स्वीट। सो बब स्वीट मोस्ट ऑफ द हैकर्स और बग हंटर्स यूज़ करते हैं। और भी कई सारे टूल्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको मैनुअल अप्रोच रखना है टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो सेकंड स्टेप है हमारा स्कैनिंग। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो उसे हम स्कैनिंग पार्ट में यूज़ करेंगे। स्कैनिंग बेसिकली तीन टाइप की होती है, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में आप ओपन पोर्ट्स स्कैन करते हो, उसमें कौन सी सर्विसेज रन होती है, सर्विसेज के वर्जन्स क्या है, वो सब हम स्कैन करते हैं। फिर आता है नेटवर्क स्कैनिंग। सो नेटवर्क स्कैनिंग बग हंटिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर हो या फिर आप क्लाइंट साइड टेस्टिंग करते हो, देन नेटवर्क स्कैनिंग आपके प्रोसेस में आएगा, जिसमें हम कंपनी के नेटवर्क में लूप होल्स फाइंड करते हैं। देन कम्स वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जिसमें हम टारगेट पर डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की भी एक डिफरेंट प्रोसीजर होती है, लाइक कौन सी वल्नरेबिलिटीज कहाँ पर फाइंड करनी है, कहाँ कौन सी वल्नरेबिलिटीज स्टार्ट करनी है सबसे पहले। सो उसकी हमें दूसरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम ये सब चीज़ देखेंगे। स्कैनिंग दो तरीके से होती है, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। ऑटोमेटेड मतलब आप किसी टूल को यूज़ करके जो ऑटोमेटिक आंसर आता है उसे हम ऑटोमेटेड स्कैनिंग बोलते हैं। मैनुअल मतलब आप डायरेक्टली टारगेट पर इंटरेक्ट करके वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो। ऑटोमेटिक स्कैनिंग के लिए आप बहुत सारे टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, लाइक एनमैप है, नेसस है, एक्यूनेटिक्स है, बब स्वीट है एंड मैनी मोर टूल्स आर देयर। सो अब जैसे ही मैंने प्रीवियस स्टेप में वेब एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी,
उसे अब हम स्कैनिंग में यूज़ करेंगे। लाइक वेब एप्लीकेशन में कौन सी डायरेक्टरीज है, कौन सी फाइल्स है, वो मैं स्कैन करूँगा। इनपुट पैरामीटर्स टेस्ट करूँगा, डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज स्कैन करूँगा, तो ये सब हम स्कैनिंग पार्ट में यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ तक के स्टेप को हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोलेंगे, जिसमें हम सिर्फ वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेंगे, उसको हम पेनिट्रेट या एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप से होगा हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मीन्स जो भी वल्नरेबिलिटीज हमने यहाँ तक फाइंड की है उसको हम पेनिट्रेट या एक्सप्लॉइट करेंगे। सो थर्ड स्टेप है गेनिंग एक्सेस, जिसे हम एक्सप्लॉइटेशन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। जो भी वल्नरेबिलिटीज हमने यहाँ तक फाइंड की है उसे हम पेनिट्रेट करने का ट्राई करेंगे या फिर एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन के लिए आप पब्लिकली अवेलेबल एक्सप्लॉइट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कैनिंग स्टेप में मैं SQL इंजेक्शन का पेलोड डालता हूँ और रिस्पॉन्स में मुझे SQL सिंटैक्स की एरर मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस है। यहाँ तक हमने सिर्फ SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, हमने उसे अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है। सो ये स्टेप में हम SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। उसे आप मैन्युअली भी कर सकते हो या फिर कोई टूल भी यूज़ कर सकते हो, लाइक SQL मैप या मेटास्प्लॉइट, जिससे हमें SQL डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया है SQL वल्नरेबिलिटी को। ओके, अभी हमने डेटाबेस का एक्सेस तो मिल गया, लेकिन अगर मुझे कंटिन्यू एक्सेस रखना है तो मुझे मेरे एक्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये स्टेप में हम मेंटेनिंग एक्सेस या फिर बैकडोरिंग भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है जो कि प्रोफेशनल हैकर्स या प्रोफेशनल पेन टेस्टर्स ही फॉलो करते हैं। तो हमें हमारा एक्सेस बनाए रखने के लिए टारगेट पर एक बैकडोर लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाए। सो बैकडोरिंग के लिए हम ट्रोजन्स या रूटकिट्स या फिर कोई और मेलिशियस फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमें टारगेट को एक्सप्लॉइट करना है और उस पर ये बैकडोर एग्जीक्यूट करवा देना है। देन द लास्ट स्टेप इज क्लियरिंग ट्रैक्स। सो जितने भी बड़े बड़े अटैक्स होते हैं उसमें हैकर्स अपनी एविडेंस को क्लियर कर देंगे, लाइक लॉग्स डिलीट करके, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए तो वो डिलीट करेंगे एंड एट्सेट्रा, जिससे कि उनके ट्रैक होने के पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि हर एक की मेथोडोलॉजीज डिफरेंट होती है, तो ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है लाइक OWASP, OSS, TMM, NIST, NIST, PTES, ISSAF। सो ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो कि उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजीज बाहर पब्लिश की है, जो बहुत सारी कंपनीज प्रिफर भी करती है। सो आप इनकी मेथोडोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस जो बिगिनर्स लेके एडवांस पेन टेस्टर्स या हैकर्स यूज़ करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।